आज हम मेडिकल की वेबसाइट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हमने जो है सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और हमने जो है सबको सेलेक्ट करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इसे जो है रिमूव करवा दिया। और हमने हेडिंग की डुप्लीकेट ले ली और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने इसका कलर जो चेंज करवा दिया और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हम जो है डमी हेडिंग टाइप कर रहे हैं। आप ये से डमी हेडिंग टाइप कीजिएगा आवर सर्विसेज जो है हमने डमी हेडिंग टाइप कर ली है और हमने जो कॉपी करवा दिया है और हमने इसे जो रिमूव करवा दिया और हमने इसके डुप्लीकेट ले लिए और हमने इसे जो पेस्ट करवा दिया है कंट्रोल वी से और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो सर्विसेज की डुप्लीकेट ले लिए और हमने आइस डबल की मदद से फॉन्ट साइज करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है स्विचेस में आके इसका कलर जो चेंज करवा दिया और हमने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हम जो है ओपेसिटी जो है कम करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाएगा और हमने इसकी जो ओपेसिटी जो है कम करवा दी है और हमने आवर सर्विसेज को जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने पेन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने शेप जो क्रिएट करवा दी है और हमने आइस डोबर की मदद से सेम स्ट्रोक करवा दिया और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम जो स्ट्रोक को डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं और हमने इसे जो है स्ट्रोक को सेट करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने आई ड्रॉपर की मदद से सेम फॉन्ट साइज करवा दिया है और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और हमने जो है अब डमी हेडिंग टाइप करें। आप भी ऐसे डमी हेडिंग टाइप कीजिएगा और हमने जो लंग्स जो है टाइप कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट करवा दिया है और हमने जो अनग्रुप करवा दिया और हमने पैराग्राफ की जो डुप्लीकेट ले ली और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने इसका कलर जो चेंज करवा दिया है और हम जो पैराग्राफ को सेट करवा रहे हैं आप भी इसे सेट करवाइएगा और हमने लंग्स का जो है फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इसे जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो हेडिंग की डुप्लीकेट ले ली और हमने जो आइस डबल की मदद से सेम फॉन्ट जो है करवा दिया है और हमने इसे जो है सेमी बोल्ड बैकग्राउंड करवा दिया और हम जो है डमी जो है टेक्स्ट टाइप करें। आप भी ऐसे डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा और हमने जो है लर्न मोर जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करवा दिया और हमने आइस ओपर मदद कलर जो है चेंज करवा दिया है और हमने पेन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है जूम इन करवा दिया है और हम जो है शेप क्रिएट कर रहे हैं और हमने जो है इसे फुल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया और जो है स्टॉक में आ गए हैं और हमने जो है इसे एरो में जो है कन्वर्ट करवा दिया है।
और हमने जो स्ट्रोक का वेट जो बढ़ा दिया है, और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हमने जो जूम इन करवा दिया, और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हम जो है एरो को सेट करवा रहे हैं, आप भी सेट करवाइएगा। और हमने इसका वेट जो थोड़ा सा कम करवा दिया है, और हमने इसे जो थोड़ा सा राइट की साइड मूव करवा दिया, और हमने जो जूम आउट कर लिया है, और हमने सबको जो सेलेक्ट कर लिया, और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया है, और हमने सर्कल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हम जो है क्रिएट करवा रहे हैं, और हमने सर्कल जो है क्रिएट करवा दिया, और हमने इसे जो है फिल कलर में कन्वर्ट करवा दिया है, और हम जो स्टार क्रिएट कर रहे हैं, और हमने स्टार जो है क्रिएट करवा दिया, और हमने आइसोबर की मदद से जो है कलर इसका चेंज करवा दिया है, और हमने इसे जो है ग्रुप करवा लिया कंट्रोल जी से, और हमने सबको जो सेलेक्ट कर लिया, और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया, और हमने जूम आउट कर लिया, और हम जो पैराग्राफ के अंदर आ गए, और हमने पैराग्राफ जो है रिमूव करवा दिया है, और हम जो है पैराग्राफ को सेट करवा रहे हैं, आप भी सेट करवाइएगा। और हमने पैराग्राफ जो है सेट करवा दिया, और हमने जो है सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हमने हेडिंग को जो थोड़ा डाउन की तरफ मूव करवा दिया, और हमने जो सबको जो सेलेक्ट कर लिया और ग्रुप करवा दिया, और हमने इसकी डुप्लीकेट ले ली है, और हमने अगेन जो डुप्लीकेट करवा दी, और हमने इसे जो है राइट साइड मूव करवा दिया। और हम जो है डमी हेडिंग टाइप कर रहे हैं, आप ऐसे डमी हेडिंग जो टाइप कीजिएगा। फार्मेसी हमने जो है डमी हेडिंग टाइप कर ली है, और हम जो है मजीद आगे बढ़ रहे हैं। जर्नल सर्जरी जो है हमने डमी हेडिंग टाइप कर ली है, और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से जो थोड़ा सा लेफ्ट लाइन करवा दिया, और हमने सबको जो सेलेक्ट कर लिया है, और हमने इनकी जो डुप्लीकेट करवा दी, और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया, और हमने जहाँ सर्किल और जो है स्टार जो है क्रिएट किया है, वहाँ आप जो है आइकन जो है यूज़ कर सकते हैं। और हमने डमी हेडिंग और आइकन जो है सबका सेम जो है करवा दिया है, आप चाहें तो ये हेडिंग जो है चेंज कर सकते हैं, और आइकन भी। और हमने जो है सबको सेलेक्ट करवा दिया, और हमने इसे जो रिमूव करवा दिया, और हमने जो जूम आउट कर लिया है, और हमने जो है हेडिंग को और जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट करवा दिया, और हमने जो है इसकी डुप्लीकेट करवा दी, और हमने इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है, और हमने जो जूम इन कर लिया है, और हमने जो जूम इन करवा दिया, और हमने जो रेक्टेंगल साइज जो थोड़ा सा सेट करवा रहे हैं, आप भी इसे जो है सेट करवाइएगा। और हमने रेक्टेंगल का कलर जो है चेंज करवा दिया है, और हम जो है मजीद आगे बढ़ रहे हैं। टू हंड्रेड डॉक्टर्स जो है हमने डमी जो है टेक्स्ट टाइप कर लिया है, इसी तरह से हम मजीद आगे बढ़ेंगे। ट्वेंटी नाइन थाउजेंड प्लस हैप्पी पेशेंट्स जो हमने डमी जो है टेक्स्ट टाइप कर लिया है,
1000 मेडिकल बेड्स भी हमने डमी टेस्ट ट्रैप कर लिया है। और हम जो मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, वन फिफ्टी अवार्ड्स भी हमने डमी टेस्ट जो ऐड करवा दिया, और हमने जो है सिलेक्शन टूल की मदद से सबको सेलेक्ट करवा दिया है, और हमने इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया, और हम इसे जो अलाइन करवा रहे हैं, और हमने जो है इसे जो लेफ्ट अलाइन करवा दिया। इसी तरह से मज़ीद सबको जो है सेट करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने रेक्टेंगल का साइज थोड़ा सा मज़ीद जो बड़ा करवा दिया है, और हमने सबको जो सेलेक्ट कर लिया, और हमने इसे जो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया, और हमने जो सबको जो सेलेक्ट करवा दिया, और हमने जो है रिमूव करवा दिया, और हमने जो है काफ़ी हद तक जो है मेडिकल की वेबसाइट जो है रेडी कर ली है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।